Sorting data. एक वर्कशीट में तकरीबन 17 मिलियन सेल्स हो सकते हैं और एक्सेल आपको इतने बड़े डेटा के साथ काम करने की सलाहियत फराहम करता है। अपनी वर्कशीट में डेटा को अल्फाबेटिकली यानी हरूफ़ तहजी के लिहाज से या न्यूमेरिकली छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में तरतीब देने को सॉर्टिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि वर्कशीट में डेटा की सॉर्टिंग कैसे करते हैं ताकि हमें स्प्रेडशीट या वर्कशीट का कंटेंट देखने में आसानी हो। बेसिक सॉर्टिंग। वर्कशीट में डेटा की सॉर्टिंग करना एक आम काम है, यानी ये काम सबसे ज्यादा या अमूमन किया जाता है। एक्सेल में ये काम इन मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, जिनमें अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग, न्यूमेरिकल सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय डेट और टाइम, कस्टमाइज सॉर्टिंग, टू सॉर्ट बाय सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन, टू सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी हरूफ़े तहज्जी के लिहाज से टेक्स्ट कंटेंट की सॉर्टिंग करना। एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी हो। मसलन किसी वर्कशीट में लास्ट नेम के लिहाज से सॉर्टिंग करना। रिबन से डेटा टैब पर जाएं और सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को तलाश करें। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में असेंडिंग कमांड जिसके साथ ए, जेड और डाउन एरो का निशान बना हो को सिलेक्ट करें, या डिसेंडिंग कमांड जिसके साथ जेड ए और डाउन एरो का निशान बना हो को सिलेक्ट करें। आप देखें कि स्प्रेडशीट में डेटा हरूफ तहजी या अल्फाबेटिकली तरतीब में आ गया है। सॉर्टिंग की ऑप्शन आपको होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड जिसके साथ एजेड और कीफ या फनल का निशान बना हो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सॉर्ट इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी हो। मसलन किसी वर्कशीट में न्यूमेरिकली लिहाज से सॉर्टिंग करना। डेटा टैब से असेंडिंग कमांड को सिलेक्ट करें। इस कमांड से आप न्यूमेरिकल डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी छोटी रकम से बड़ी रकम और बड़ी रकम से छोटी रकम के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये देखें, स्प्रेडशीट में डेटा न्यूमेरिकली सॉर्ट हो गया है। टू सॉर्ट बाय डेट और टाइम, एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने डेट के लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो। डेटा टैब से असेंडिंग कमांड को सिलेक्ट करें। इस कमांड से आप डेट्स को न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये देखें, स्प्रेडशीट में डेटा डेट वाइज सॉर्ट हो गया है। कस्टम सॉर्टिंग, टू सॉर्ट इन द ऑर्डर ऑफ योर चूजिंग। आप अपने कंटेंट को अपनी मर्जी और जरूरत के लिहाज से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मसलन जैसे कि डेज ऑफ वीक यानी हफ्ते के दिनों के लिहाज से, या टी शर्ट के छोटे बड़े साइज के लिहाज से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेटा टैब से सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें। आपके सामने सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो। इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे। इस बात को यकीनी बनाएं कि सॉर्ट ऑन की ऑप्शन में वैल्यूज की ऑप्शन सिलेक्टेड हो। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे आखिरी ड्रॉप डाउन लिस्ट जिस पर ऑर्डर लिखा है में से कस्टम लिस्ट को मुंतखब करें। अब एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया। इसमें कस्टम लिस्ट की लिस्ट से न्यू लिस्ट को सिलेक्ट करें और लिस्ट एंट्रीज बॉक्स में सॉर्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मसलन यहां हम टी शर्ट साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिहाज से सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करें। जब आप ओके बटन क्लिक करके
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रेडशीट में डेटा टी शर्ट के छोटे से बड़े साइज के लिहाज से सॉर्ट हो गया है। टू सॉर्ट बाय सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए डेटा टैब में मौजूद सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें। अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो। इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे। अब सॉर्ट ऑन लिस्ट में मुंतखब करें कि आपने फॉन्ट कलर या सेल आइकॉन में से किस ऑप्शन के लिहाज से सॉर्टिंग करनी है। हम यहां फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट से कलर सिलेक्ट करें और ये फैसला करें कि आया आपने सिलेक्टेड कलर वाले सेल अपनी स्प्रेडशीट में ऊपर दिखाने हैं या स्प्रेडशीट में नीचे दिखाने हैं। ओके बटन को क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स बंद करें और देखें कि आपका डेटा रंग के लिहाज से सॉर्ट या मुरतब हो गया है। फिल्टरिंग डेटा। डेटा की फिल्टरिंग से आप वर्कशीट के कंटेंट को फिल्टर करके नैरो डाउन या कम कर लेते हैं ताकि हमें अपनी जरूरत और मर्जी का कंटेंट नजर आए जबकि बाकी कंटेंट भी वर्कशीट में रहे मगर हाइट या ओझल हो जाए। डेटा फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हम यहां एक मिसाल लेते हैं जिसमें हमें एक टेक्नोलॉजी कंपनी के इक्विपमेंट लॉग का कंटेंट जेरे बहस लाएंगे और हम सिर्फ उन लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की तफसील दिखाएंगे जो चेकआउट के लिए तैयार हैं। यहां हमने ऐसी वर्कशीट की मिसाल ली है जिसमें हर कॉलम की एक हेडर रो है। रिबन में डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएं। यहां से फिल्टर कमांड को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि हर कॉलम के हेडर पर एक ड्रॉप डाउन एरो नजर आना शुरू हो गया है। आप जिस कॉलम के डेटा को फिल्टर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इस मिसाल में हम टाइप वाले कॉलम को फिल्टर करेंगे ताकि हमें मखसूस इक्विपमेंट की टाइप या किस्म के लिहाज से फिल्टर्ड डेटा नजर आए। ये आपके सामने फिल्टर मेन्यू जाहिर हो गया है। अब चूंकि हम सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू में सिर्फ लैपटॉप और प्रोजेक्टर्स के चेक बॉक्सेस को चेक या क्लिक करेंगे, बाकी इक्विपमेंट्स को अनचेक रहने देंगे। ओके पर क्लिक करें। वर्कशीट का डेटा फिल्टर हो गया है और बाकी इक्विपमेंट की डिटेल या डेटा आरजी तौर पर हिडन या ओझल हो गया है और सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स का डेटा हमें वर्कशीट पर नजर आ रहा है। फिल्टरिंग की कमांड आपको होम टैब में भी नजर आएगी और ये भी उसी तरह डेटा की फिल्टरिंग करेगी। टू ऐड अनदर फिल्टर। आप एक वक्त में किसी वर्कशीट में एक से ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका डेटा मजीद फिल्टर होकर नजर आएगा। मसलन अभी पहले हमने जो मिसाल ली इसमें एक और फिल्टर का इजाफा करके देखते हैं। हम इसमें ये फिल्टर ऐड करते हैं कि जो लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स अगस्त के महीने में चेकआउट या बेचे गए थे उनका डेटा हमें नजर आए। अब इस फिल्टर्ड डेटा में चेकआउट के कॉलम के ऊपर जो ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है इसको क्लिक करें। आपके सामने फिल्टर मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में चूंकि डेटा टाइम किस्म का कंटेंट है इसलिए इसके ऑप्शंस में आपको डेट एंड टाइम या महीने के लिहाज से ही ऑप्शंस नजर आएंगी। अब इस मेन्यू से सिर्फ अगस्त को चेक रहने दें, बाकी महीनों को अनचेक कर दें। ओके बटन को क्लिक करें। ये देखें एक फिल्टर इस वर्कशीट पर पहले ही अप्लाई था लेकिन अब एक और फिल्टर इस डेटा पर लागू हो गया है। अब आपको सिर्फ अगस्त के महीने में चेकआउट होने वाले लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स नजर आ रही हैं। टू क्लियर अ फिल्टर। जिस कॉलम से फिल्टर क्लियर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। यहां ऊपर आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पर क्लिक करें। ये देखें इस कॉलम से फिल्टर क्लियर
یا ختم ہو گیا اور آپ کو اب ڈیٹا کچھ مختلف طرح سے نظر آ رہا ہے. ایڈوانسڈ فلٹرنگ. ایکسل میں آپ ایڈوانسڈ فلٹرنگ کے ذریعے کسی خاص لفظ، خاص ڈیٹ یا خاص نمبر کے لحاظ سے بھی فلٹر کر کے ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ خاص قسم کے برانڈ کو فلٹر کر کے ورک شیٹ میں دکھا سکتے ہیں. ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کی کمانڈ پر کلک کریں. اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جسے آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں. یہاں ہم ایک خاص قسم کے لیپ ٹاپ کو دکھانا چاہتے ہیں جن کا برانڈ نیم ساریس ہو. ہم یہاں اس سرچ باکس میں ساریس لکھیں گے تاکہ ہمیں صرف ساریس برانڈ کے ایکوپمنٹس ہی نظر آئیں. جیسے ہی ہم ساریس لکھیں گے ہمیں نیچے ساریس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آنے لگیں گی. ہم سلیکٹ آل سرچ ریزلٹس کی آپشن کو چیک کر دیتے ہیں. اوکے بٹن پریس کیا اور یہ دیکھیں ورک شیٹ میں صرف ساریس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آ رہی ہیں. یوزنگ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹرز. ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر سے آپ مزید اسپیسیفک سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے سیلز کو سرچ کرنا جن میں وہ ٹیکسٹ نہ ہو جو آپ سرچ کر رہے ہوں. ہم اس مثال میں ان سیلز کو ہائیڈ کریں گے جن میں کیمرا، ڈیجیٹل کیمرا یا کیمکارڈر کے الفاظ ہوں. ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں. اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کا ٹیکسٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو. اس مثال میں ہم ایکوپمنٹ ڈیٹیل والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی ڈیٹیلز درج ہیں. فلٹر مینیو سے ٹیکسٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں. یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے. اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں. اس مثال میں ہم نے ڈز ناٹ کنٹین فلٹر کو منتخب کیا ہے. یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے. اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب کیم کا لفظ لکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ریزلٹس یا ڈیٹا دکھائے جن میں کیم کا لفظ نہ ہو، جیسے ڈیجی کیم پرنٹر، کیمرا، ڈیجیٹل کیمرا وغیرہ. اوکے کو کلک کریں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس دیکھیں. یوزنگ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹرز. ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹر سے آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ جیسے کہ لاسٹ ایئر، نیکسٹ کوارٹر یا دو تاریخوں کے درمیان کا عرصہ، ایسے فلٹرز آپ اپنے ڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسل کو آپ کی کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کا پتہ ہوتا ہے. ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں. اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کی ڈیٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو. اس مثال میں ہم چیکڈ آؤٹ والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی چیک آؤٹ ڈیٹس درج ہیں. فلٹر مینیو سے ڈیٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں. یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے. اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں. اس مثال میں ہم نے دس ویک فلٹر کو منتخب کیا ہے. آپ کی ورک شیٹ کا کانٹینٹ ڈیٹ وائز فلٹر ہو گیا ہے. یوزنگ ایڈوانسڈ نمبر فلٹرز. اس فلٹر آپشن سے آپ اپنے ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ایگزامز گریڈ کی ورک شیٹ پر آپ ہائیسٹ اور لوئسٹ اسکورس کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں وغیرہ. یہاں ہم اس مثال میں ایکوپمنٹ آئی ڈی کے لحاظ سے ڈیٹا کو فلٹر کریں گے. ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں. اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کے نمبرز آپ نے فلٹر کرنا ہوں. اس مثال میں ہم آئی ڈی نمبر والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹ کے آئی ڈی نمبرز درج ہیں. فلٹر مینیو سے نمبر فلٹرز کو سلیکٹ کریں. یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ نمبر فلٹر مینیو آ گیا ہے. اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں. اس مثال میں ہم نے بیٹوین کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم جو آئی ڈی نمبر اس فلٹر میں دیں گے
बिटवीन को सिलेक्ट करते ही ये कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में दाएं जानिब हम आईडी नंबर्स की एक रेंज देंगे कि हमें इसी रेंज के आईडी नंबर्स वाले इक्विपमेंट की डिटेल दिखाए। मसलन हम यहां कहते हैं कि हम आईडी नंबर 3000 से बड़े और आईडी नंबर 4000 से कम वाले इक्विपमेंट की तफसील दिखाए। ओके बटन क्लिक करें और ये देखें डेटा इन नंबर्स के लिहाज से फिल्टर हो गया है जो आपने स्पेसिफाई किए थे। फॉर्मेटिंग टेबल्स, जब आप अपनी स्प्रेडशीट में डेटा या इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग से न सिर्फ आपकी स्प्रेडशीट की शक्ल सूरत तब्दील होती है बल्कि देखने में बेहतर लगती है और इसका इस्तेमाल भी आसान हो जाता है। इससे पेशतर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन अब आप टेबल फॉर्मेटिंग और पहले से मुहैया करदा टेबल स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे। टेबल्स फॉर्मेटिंग का तरीकाकार, सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट में मौजूद डेटा या इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। इसके बाद आप होम टैब में मौजूद फॉर्मेट एज टेबल के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करने या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के टेबल स्टाइल्स देख रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को रंगों के लिहाज से तीन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि लाइट, मीडियम, डार्क। आप हस्ब जरूरत कोई सा भी स्टाइल मुंतखिब कर सकते हैं। जो ही आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें वो आपसे सेल रेंज पूछेगा। अगर आपने अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट या हाईलाइट किया हुआ है तो इसमें वही सेल रेंज जाहिर होगी, आपको किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं। और अगर आपने पहले अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को हाईलाइट नहीं किया हुआ तो आपको लाजमन सेल रेंज देना होगी। इसके अलावा आपको एक चेकबॉक्स नजर आ रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है My table has headers। इसका मतलब है कि आपके डेटा कॉलम्स का टाइटल या हेडिंग है या नहीं। अगर टाइटल या हेडिंग मौजूद हैं, तो इस ऑप्शन को चेक रहने दें। आपके इस्तेमाल शुदा टाइटल या हेडिंग पर फिल्टर की ऑप्शन लग जाएगी। और अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपके टाइटल या हेडिंग की बजाय कॉलम 1, कॉलम 2 जाहिर होंगे और उन पर फिल्टर लग जाएंगे। आपके कॉलम्स के हर टाइटल या हेडिंग के साथ एक एरोहेड जाहिर होता है जिसके जरिए आपको ड्रॉप डाउन की सहूलत मुहैया की गई है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्प्रेडशीट को फिल्टर या सॉर्ट कर सकते हैं। मॉडिफाइंग टेबल्स टू एड रोज एंड कॉलम्स, अगर आप अपने टेबल की रोज या कॉलम्स में इजाफा करना चाहते हैं तो अपने टेबल के किसी भी सेल को सेलेक्ट करें। डिजाइन टैब खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। इसमें से रीसाइज टेबल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जो आपसे न्यू सेल रेंज को सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा। आइए इससे पेशतर कि हम अपने टेबल की रोज या कॉलम्स में इजाफा करें, हम सेल रेंज के बारे में तफसील से जान लें। लिखी गई सेल रेंज का मतलब ये है कि हमेशा बराबर या इक्वल साइन के निशान से शुरू होगा। इक्वल साइन के बाद डॉलर साइन आएगा, इसके बाद कॉलम का नाम, इसके बाद फिर डॉलर साइन आएगा, इसके बाद रो नंबर आएगा, इसके बाद कॉलन लिखा जाता है, इसके बाद टेबल के आखिरी कॉलम का नाम और रो नंबर लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने पहले लिखा था। अब आप सेल रेंज देकर अपने टेबल की रोज और कॉलम्स में इजाफा कर सकते हैं। टू चेंज द टेबल स्टाइल, अपने टेबल में से किसी भी सेल को सिलेक्ट करें। डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल्स की ऑप्शन नजर आ रही है।
इनमें कोई भी स्टाइल मुंतखब किया जा सकता है। इसके अलावा एरो हेड को सिलेक्ट करके मजीद स्टाइल्स को देखा जा सकता है। यूजिंग टेम्पलेट्स, एक्सेल 2010 में पहले से बने हुए वर्कशीट टेम्पलेट्स होते हैं, जिनके जरिए आप अपने काम को आसान बनाते हुए बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। टेम्पलेट एक बाय डिफॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ इफेक्ट्स, फॉन्ट्स और सेटिंग्स का मजमुआ होता है। टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक यूजिंग अ टेम्पलेट, फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं। न्यू को सिलेक्ट करें। ये पहले से दस्तियाब टेम्पलेट्स का पैन सामने खुल गया है। यहां से सैंपल टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करें। सैंपल टेम्पलेट्स के थंबनेल व्यू आपको नजर आ रही हैं और हर थंबनेल का बड़ा व्यू आपको स्क्रीन के दाएं जानिब नजर आ रहा है। अपनी मर्जी का टेम्पलेट मुंतखब करें। क्रिएट का बटन प्रेस करें। एक नई वर्कबुक इसी टेम्पलेट डिजाइन की बनी हुई आपके सामने खुल जाएगी, जिसे आपने अभी टेम्पलेट मेन्यू से सिलेक्ट किया था। बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेल में ये टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप इन टेम्पलेट्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मजीद टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन एमोर्टाइजेशन, पर्सनल मंथली बजट, सेल्स रिपोर्ट, टाइम कार्ड, चार्ट्स, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। चार्ट एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए हम अपने डेटा को ग्राफिकली दिखा सकते हैं। एक्सेल में चार्ट्स के जरिए आप अपने ऑडियंस को नंबर्स और फिगर्स के पोशीदा मतलब और उनमें मुवाजना करवा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ट्स के मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताते हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट। ये तमाम किस्म के चार्ट आपको एक्सेल में मुयसर हैं और इन्हें आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं। टाइटल ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट का टाइटल। वर्टिकल एक्सिस या अमूदी महवर, इसको आमतौर पर वाई एक्सिस का नाम भी दिया जाता है। डेटा सीरीज, ये हिस्सा आपके चार्ट में मौजूद डेटा पॉइंट को जाहिर करता है। लेजेंड, इसमें आप अपने चार्ट में दिए गए डेटा के बारे में कुछ अहम मालूमात लिखते हैं और ये आमतौर पर उफकी महवर या एक्स एक्सिस के बारे में होता है कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी में आता है और चार्ट में क्या स्केल इस्तेमाल किया गया है वगैरह। अब हम आपको बताते हैं कि वर्कशीट में चार्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हमें चार्ट्स का ग्रुप नजर आ रहा है। इसमें हमें चार्ट्स की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इनमें कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर चार्ट्स की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। जब आप इन चार्ट्स में से किसी पर भी क्लिक करें तो एक और मेन्यू खुल जाता है, जिसमें चार्ट की सेलेक्ट ऑप्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ स्टाइल नजर आ रही हैं। इन स्टाइल ऑप्शंस में से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई सा स्टाइल सेलेक्ट करें। आपका मतलूबा चार्ट इंसर्ट हो गया है। क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, एक्सेट्रा। अब हम आपको बताते हैं कि आप वर्कशीट में मुख्तलिफ चार्ट्स, मसलन बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब में से चार्ट की कमांड पर क्लिक करके एक चार्ट बनाते हैं। और अगर हम इस चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे सामने मुख्तलिफ चार्ट्स टाइप आ गई हैं, मसलन कॉलम, बार, लाइन, पाई चार्ट वगैरह।
आप इसमें से जो चाहें वो टाइप सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। मसलन हम इसमें से पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, पाई चार्ट पर क्लिक करने से बार चार्ट तब्दील होकर पाई चार्ट हो गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स वर्कशीट में बना सकते हैं। रिव्यूइंग एंड शेयरिंग वर्कबुक्स। अगर आपसे कोई कहे कि आपने वर्कशीट को प्रूफ रीड करना है और अगर आपके पास वर्कशीट की हार्ड कॉपी है तो आप शायद रेड पेन के साथ सेल्स को हाईलाइट करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स को मार्क करें और साइड मार्जिन में कमेंट्स दें। ये तमाम काम एक्सेल के फीचर ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स के जरिए किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे कि ट्रैक चेंजेस कैसे करते हैं, कॉमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, एक वर्कशीट की दो मुख्तलिफ वर्जन्स का मुआजना या कंपैरिजन कैसे करते हैं, स्पेलिंग्स कैसे चेक करते हैं, वर्कशीट की फाइनल वर्जन कैसे शेयर करते हैं। अबाउट ट्रैक चेंजेस। जब आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस एक खास बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जाती हैं। और जब आप हाईलाइटेड सेल पर माउस हावर करते हैं तो इस सेल पर की जाने वाली चेंजेस की तफसील डिस्प्ले हो जाती है। इसका फायदा यह है कि जब कोई दूसरा आपकी वर्कशीट को पढ़ता है तो उसको आसानी से वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस का पता चल जाता है। टू टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस, रिव्यू टैब में जाएं। चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हाईलाइट चेंजेस को सेलेक्ट करें। ये आपके सामने हाईलाइट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ गया है। ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग के चेक बॉक्स को चेक करें। इस बात की तस्दीक करें कि हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन का चेक बॉक्स चेक्ड हो। इससे आप जो चेंजेस वर्कशीट में करते जाएंगे वो हाईलाइट होती जाएंगी। ओके को क्लिक करें। अब ट्रैकिंग ऑन है। आप नोट करें कि जो भी चेंजेस इस वर्कशीट में की जा रही हैं वो एक मखसूस बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जा रही हैं। टू टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस, रिव्यू टैब में जाएं। चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हाईलाइट चेंजेस को सिलेक्ट करें। ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग के चेक बॉक्स को अनचेक करें। ओके बटन क्लिक करें और इस तरह आपकी वर्कशीट की ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, रिव्यू टैब से ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस को सिलेक्ट करें। अब निशानदही करें कि आपने किन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और किन को रिजेक्ट करना है। इस मिसाल में हम उन तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे जिन्हें अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया। ओके पर क्लिक करें। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। वर्कशीट में जो भी चेंजेस की हैं उन्हें यहां से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाएं। एडिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स। वर्कशीट में कमेंट्स ऐड करने का मकसद वर्कशीट के डाटा या कंटेंट के बारे में अपनी आरा देना है। ये कमेंट आप अपनी याद दहानी के लिए भी लगाते हैं। कमेंट्स का एक और इस्तेमाल ये भी है कि इनके जरिए आप डाटा की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। टू ऐड अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट का इजाफा करना हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से न्यू कमेंट की कमांड को क्लिक करें। ये देखें, इस सिलेक्टेड सेल के साथ एक इजाफी टेक्स्ट बॉक्स जिसे कमेंट बॉक्स भी कहते हैं नजर आ रहा है। इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें। ये देखें, इस सेल के अपर राइट कॉर्नर पर एक सुर्ख रंग का इंडिकेटर नजर आ रहा है। इस इंडिकेटर का मतलब होता है कि रीडर को ये पता चल सके कि इस सेल में कमेंट ऐड किया गया है। इस सेल पर माउस हावर करके आप कमेंट देख सकते हैं। टू एडिट ए कमेंट,
जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से एडिट कमेंट कमांड पर क्लिक करें। अब आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं। टू शो और हाइड कमेंट्स, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से शो हाइड कमेंट कमांड पर क्लिक करें। टू डिलीट अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप में डिलीट की कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, कमेंट डिलीट हो गया है। फाइनलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक। जब आप एक वर्कबुक किसी को रीड करने या किसी को सेंड करने लगें, तो उससे पहले एक बार फाइनल अपनी वर्कशीट को देख लें। एक्सेल में आपके पास सहूलत है कि आप स्पेलिंग्स एरर को दुरुस्त और अपनी वर्कबुक की इंफॉर्मेशन को दूसरों से हाइड कर सकते हैं। टू चेक स्पेलिंग, जिन सेल्स के स्पेलिंग्स चेक करने हो उनको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से स्पेलिंग कमांड को क्लिक करें। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से आप स्पेलिंग एरर को रिव्यू और एडिट यानी ठीक कर सकते हैं। टू यूज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, बैकस्टेज व्यू से इन्फो को क्लिक करें। चेक फॉर इश्यू, चेक फॉर इश्यू बटन को क्लिक करें। एक ड्रॉपडाउन मेन्यू खुल जाएगा। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में उन चेक बॉक्सेस को चेक करें जिनका आपने मुआयना करना है। इंस्पेक्ट बटन क्लिक करें। डॉक्यूमेंट या वर्कबुक इंस्पेक्ट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आप इंस्पेक्ट रिजल्ट को रिव्यू कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कबुक कोई भी एक्सेस करके उसमें डाटा को कॉपी, एडिट और डिलीट कर सकता है, जब तक कि आप इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट या महफूज न कर लें। अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करना है। टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक, फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं। इन्फो पैन से प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड को क्लिक करें। अब यहां से अपनी मर्जी की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आर्काइव फाइनल, आपकी वर्कबुक फाइनल हो जाएगी लेकिन रीड ओनली होगी, यानी इसमें डाटा एडिट नहीं होगा। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए। प्रोटेक्ट क्रंच शीट, आपकी मौजूदा वर्कशीट जिसे आपने खोला हो सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, इससे आपकी वर्कबुक का स्ट्रक्चर या तंजीमी ढांचा महफूज होगा, यानी आपकी वर्कबुक में वर्कशीट्स वगैरह का इजाफा नहीं हो सकेगा। रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल, इस ऑप्शन से आप बाकी लोगों को ये सहूलत देते हैं कि वो इस वर्कबुक में किए गए अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकें। एड अ डिजिटल सिग्नेचर, इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को डिजिटली महफूज कर लेते हैं, यानी जैसे डिजिटल सिग्नेचर की पाबंदी लगाकर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी वर्कबुक को ओपन करेगा तो पहले थंब इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर देगा तो ये वर्कबुक ओपन होगी। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके का बटन क्लिक करें। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको भी ओके करके कंफर्म करें। यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंट्रोडक्शन। फर्ज करें कि आपकी स्प्रेडशीट में हजारों रोज हैं। इतनी ज्यादा रोज में देखते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि डाटा को एनालाइज किया जाए। अगर आपकी स्प्रेडशीट में सेल्स का डाटा है और आप चाहते हैं कि एक मखसूस प्रोडक्ट या कीमत वाला डाटा नुमाया तौर पर नजर आए, या आपकी स्प्रेडशीट में अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नुमाया करके देखना चाहते हैं, तो आपको
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा. कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है. जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करते हैं. तरीका एक कार प्रोसेस. सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें. उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा. उसमें मुंदरजा जैल ऑप्शंस मौजूद होंगी. हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स. आइए एक एक करके इन तमाम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं. हाईलाइट सेल्स रूल्स. हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा जैल ऑप्शंस मौजूद हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, मोर रूल्स. ग्रेटर देन. इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन. इसमें एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं. ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे इससे बड़ी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी. इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है. एरो हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस नजर आएंगी, यानी आप हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं. यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी. लेस देन. ये ऑप्शन भी ग्रेटर देन की तरह काम करती है. फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है. बिटवीन. इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखाब करना होता है, छोटी और बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं. इक्वल टू. इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी. इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं. टेक्स्ट दैट कंटेन्स. जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं. अ डेट अकरिंग. इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन, हफ्ते, महीने के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं. डुप्लीकेट वैल्यूज. इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं. और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं. टॉप बॉटम रूल्स. इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा जैल ऑप्शंस होती हैं. टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज. आइए सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स के बारे में देखते हैं. टॉप 10 आइटम्स. इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा. इस पर लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप. पहले ड्रॉप डाउन में आपको डिफॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है. क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही टॉप 10 आइटम्स है इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है. लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं. इसके बाद वाले ड्रॉप डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं. इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप 10 वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी.
और आप बआसानी टॉप 10 वैल्यूज को देख सकते हैं। टॉप 10% ये ऑप्शन भी पिछली ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसके इस्तेमाल से शरह फीसद के एतबार से वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है। इसको सिलेक्ट करने पर भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही है, लेकिन ये 10% है, इसको भी आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, ये ऑप्शन टॉप 10 आइटम्स के बरक्स ऑप्शन है, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 10 को हाईलाइट किया जाता है। इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने से आपके सामने डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। ये ऑप्शन टॉप 10% की मुखालिफ ऑप्शन है, यानी इसको सिलेक्ट करने पर 10% के लिहाज से छोटी वैल्यूज जाहिर होंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत से प्रीसेट्स हैं। इनमें डेटा बार्स और कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से आप स्प्रेडशीट में मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में मुख्तलिफ रंगों और ग्रेडियंट और आइकन्स के साथ जाहिर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकेंड लास्ट ऑप्शन क्लियर रूल्स है, जिसके जरिए आप अपनी स्प्रेडशीट पर अप्लाइड तमाम रूल्स को साफ या खत्म कर सकते हैं। क्रिएटिंग पिवट टेबल्स, जब हम स्प्रेडशीट में बहुत ज्यादा डेटा एंटर कर लेते हैं तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह के सिचुएशन में स्प्रेडशीट के एक बहुत कारामद फीचर पिवट टेबल को इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस स्प्रेडशीट में एक कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के आदादोशुमार को एंटर किया है। अगर हम इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि हर प्रोडक्ट की रीजन वाइज टोटल सेल के बारे में मालूम करें, या हम ये जानना चाहते हो कि कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हुई है, या फिर ये मालूम करना हो कि किस सेल्स पर्सन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब हम पिवट टेबल से हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव टेबल है जो डेटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और समराइज करता है। इस वक्त जो वर्कशीट आप देख रही हैं, इसके पहले कॉलम में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के नाम एंटर किए हैं। इसी वर्कशीट के दूसरे कॉलम में हमने इन एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स एंटर किए हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को टोटल कितना पे कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस डेटा का पिवट टेबल बनाते हैं। आप जो एम्प्लॉयज की सैलरी शीट इस वक्त देख रहे हैं, हम इसका पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में से पिवट टेबल को क्लिक करते हैं। अब हमें क्रिएट पिवट टेबल करने का मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि जिस डेटा का पिवट क्रिएट करना है, इसको कहां से ऐड करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, या फिर वर्कशीट से डेटा को कलेक्ट करना है। इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से ही सिलेक्टेड है और हमने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा को इस्तेमाल करना है। पिवट टेबल के दूसरे स्टेप में हमने ये बताना है कि इस पिवट टेबल की रिपोर्ट को इसी वर्कशीट में दिखाना है या किसी और वर्कशीट में डिस्प्ले करवाना है, यानी हम लोकेशन के बारे में बताते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना है। हम यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और फिर पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। लेकिन ये क्या, हमें पिवट टेबल की बजाय ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। यहाँ हमने ये बताना है कि पिवट टेबल के रो कॉलम और डेटा फील्ड में
कौन से कॉलम को एंटर करना है। इसके अलावा हमें स्क्रीन के दाएं जानिब एक विंडो में जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे उनकी हेडिंग भी नजर आ रही हैं। हमने इनको चेक बॉक्स से चेक करके पिवट टेबल में ऐड करना है। इस एग्जांपल में हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को कैलकुलेट करना है, इसलिए फील्ड लिस्ट में हम डिपार्टमेंट को चेक करेंगे। ये देखें, हमने वर्कशीट में एक पिवट टेबल बना लिया। हमारे पिवट टेबल में एक ही कॉलम नजर आ रहा है, लेकिन हम इस पिवट टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स को भी शो करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें कॉलम लेबल्स को ऐड करना होगा। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से एक फील्ड को चेक करेंगे। ये देखें, पिवट टेबल में एक और कॉलम नजर आना शुरू हो गया। यूजिंग ए पिवट चार्ट। पिवट चार्ट एक रेगुलर चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ पिवट टेबल से ही डेटा दिखाता है। बाकी चार्ट्स की तरह आप पिवट चार्ट की टाइप, लेआउट और स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। इस मिसाल में हम एक पिवट चार्ट शो करेंगे ताकि हमें हर सेल्स रीजन के ट्रेंड या रुझान का पता चल सके। पिवट टेबल से एक कॉलम मुंतखब करें। ऑप्शंस टैब से पिवट चार्ट को सिलेक्ट करें। इंसर्ट चार्ट के डायलॉग बॉक्स से अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक चार्ट टाइप सिलेक्ट करें और ओके क्लिक करें। वर्कशीट में एक पिवट चार्ट बन गया है। आप इसको ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप अपने पिवट टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली पिवट चार्ट में भी हो जाएंगी, और इस तरह पिवट चार्ट भी अपडेट हो जाएगा। इस सेशन के तकमील के साथ ही हमारे मॉड्यूल 4 का इख्तिताम होता है। अगर आप किसी लेसन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इंडेक्स एरिया पर जाकर इस पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है कि VUCPL के ट्रेनिंग का ये सिलसिला आपको अपने कंप्यूटर के बेहतर इस्तेमाल में मददगार साबित होगा। VUCPL के बाकी मॉड्यूल्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर नजर आने वाली ईमेल एड्रेस पर रابطہ कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी राय देने के लिए भी आप यही ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं।